दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा रखता हूँ सब खैरियत में होंगे। अभी विंटर का सीज़न चल रहा है, अभी तो ऑलमोस्ट विंटर का एंड होने वाला है मार्च के अंदर। फिर मैंने अभी ये बहुत अच्छे दाम के अंदर कम कीमत में ये हीटर मिल रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों खरीद ना ले, इसलिए मैंने ये दो हीटर अभी खरीदे हैं। ये उषा कंपनी का है, जो ये लिखा हुआ वही मॉडल है, उषा कंपनी का ये मॉडल नंबर है, वही है जो आज ही आया है। फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया था, ये करीबन मुझे 2150 रुपये में मिला है, 2200 रुपये में, समझ लो 2200 रुपये में मुझे ये मिला है। और दूसरा है वो बजाज कंपनी का है, ये है बजाज कंपनी का, ये करीबन 1600 रुपये में मुझे मिला है। और ये पूरा मेटल बॉडी का है, ये मेटल और प्लास्टिक मिक्स है। ये तो पहले मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ, मैं कुछ खास रिव्यू नहीं करता उसका। मैंने खरीदा था, सोचा कि चलो खरीदा है तो क्यों ना उसका YouTube पर वीडियो रख ले, अगर किसी को काम आएगा। हर आदमी को यही करना चाहिए, अगर कुछ खरीदता है तो YouTube पर उसका वीडियो रख देना चाहिए। जैसे चाइना में होता है, चाइना का कोई भी आइटम खरीदते हैं तो उसका वीडियो, उसका सारा डेटा ऑनलाइन मिल जाता है, लेकिन हमारे कोई चीज़ों का ऑनलाइन बहुत कम डेटा मिलता है। तो मैंने सोचा चलो उसका एक वीडियो बना देते ही हैं। तो ये उसका आगे का भाग है, इसके आगे तीन स्विच दिया हुआ है, ये ऑफ है, ये वॉर्म है और ये हॉट है। ये 1000 और 2000 वोल्ट वाला है, तो ये स्विच दोनों साथ में चालू होती है और ये बाद में उसको ऑन करनी पड़ती है। इस तरह से उसका उसका सारा मैकेनिज्म बनाया हुआ है। और उसका जो फैन है, आप देख सकते हैं, जो हवा इनटेक लेता है वो ऊपर से है, अंदर से नहीं है। और उसके नीचे से मैं आपको बता देता हूँ, नीचे कुछ भी नहीं है, चार स्क्रू है, नीचे कोई होल नहीं है हवा इंटेक करने का। यहाँ से हवा अंदर जाती है और आगे से बाहर आती है, इस तरह का उसका पूरा मैकेनिज्म बनाया हुआ है। और साइड में ये हैंडल दिया हुआ है पकड़ने के लिए, और इसे उसका ये मॉडल नंबर दिया हुआ है, और इस साइड में भी ये कैंडल ही दिया हुआ है। और उसको नीचे ये उसके लेग्स दिए हुए हैं, ये लेग्स नीचे की साइड में ये लेग्स दिए हुए हैं, जिससे आप थोड़ा हाइट में रख सकते हैं और नीचे रख सकते हैं। इस तरह से ये पूरा बनाया हुआ है। तो मैं और उसका जो प्लग आता है वो 16 mm का आता है, जिसके लिए आपको स्पेशल कनेक्शन चाहिए, रेगुलर में फिट नहीं होता ये। और आपके सर्किट बोर्ड के अंदर दो थोड़ा टिक वायर चाहिए, जो 2.5 mm होता है, 2 mm होता है, ऐसा टिक वायर होता है तो ये अच्छा चलेगा, वरना वायर गर्म कर देगा और पूरा कनेक्शन खराब हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि मुझे दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, वो मैं आपको बताऊंगा। दोनों अच्छे हैं ऐसे तो, और दोनों का सिर्फ मुझे वीडियो बनाना था, इसलिए मैं उसका ज़्यादा कुछ लंबा नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत सारे वीडियो उसके बारे में ऑनलाइन बनाए हुए हैं, इसलिए कोई ज़्यादा बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक ही वीडियो में जो होता है वो सभी वीडियो में होता है, इसलिए मैं अभी उसको ऑन करके बताऊंगा कि दोनों का नॉइस कितना है और उसे कैसे ऑपरेट करते हैं। और दोनों में ये 16 एम्पियर का प्लग दिया हुआ है, क्योंकि ये मेटल है, इसलिए कोई ऑर्डिनरी प्लग
प्लग में लगाना थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए एक्सटेंशन का वायर लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको उसको दोनों को चालू करके आपको मैं बताता हूँ कि दोनों में कैसा साउंड आता है, जैसे फैन का साउंड कैसा है वही, और हीट कितनी कितनी हीट कैसी कितनी आती है वो भी आपको पता चलेगा, पता करके मैं बताऊंगा। उसमें अभी उसमें ये टेम्परेचर के लिए दिया हुआ है, थर्मोस्टेट की तरह उसमें बताया बनाया है उसको, तो जिसको घुमाने से उसमें एक स्विच है, यहाँ तक घुमाते हैं स्विच ऑन नहीं होती, लेकिन पूरा ऐसे घुमाते हैं तो ये आवाज़ आती है और ये ऑन होता है। इस तरह से उसको बनाया है, देखो ये आवाज़ आएगी, देखो ये इस तरह से है, यहाँ से यहाँ तक कोई काम नहीं करता और ओनली स्विच है, उसके बाद ये चालू होता है। और ये उसका ये नॉब है तो बहुत टाइट है, इसे घुमाना थोड़ी थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है, तभी ये फैन से वहाँ तक जाता है, थोड़ा बल का उपयोग करना पड़ता है यहाँ पर। तो मैं अभी उसको ऑन करके आपको बता रहा हूँ कैसा है। पहले मैं ये भी बता देता हूँ, ये तीसरे वाला है जो बहुत कम पैसे में मिलता है, 1,000 रुपये से ज़्यादा उसका कीमत है थोड़ी, और ये पूरा बॉडी फैब्रिक का बॉडी है उसका, और उसमें जो प्लग है वो रेगुलर प्लग है, जो 5-6 mm के रेगुलर, जो घर में आप सॉकेट आता है 5 एम्पियर का सॉकेट, उसमें ये फिट हो जाता है, और इसका वजन भी कुछ भी नहीं है, और ये भी वही काम करता है, और उसमें भी एक फैन है जिसका ये दोनों का डिज़ाइन सेम ही है, लेकिन उसका थोड़ा आवाज़ है, तो आवाज़ के बारे में ये बता सकते हैं कि उसको थोड़ा ज़्यादा आवाज़ है उसमें, उससे थोड़ा कम है, और उसमें सबसे कम आवाज़ है। इस तरह से ये पूरा आवाज़ का है, तो दिन के टाइम में ये अच्छा रहता है, रात में थोड़ा नॉइजी लगता है, लेकिन दिन में आराम से यहाँ से वहाँ उसको घुमा के कोई भी रूम में ले जाते हैं तो अच्छा ये काम करता है, कोई भी रूम में ले जाते हैं तो ये वर्क करता है। ये थोड़ा हैवी है, उसको यहाँ से वहाँ घुमाना थोड़ा मुश्किल है, और इसके भी थोड़ा हैवी है, उसको यहाँ से वहाँ घुमाना थोड़ा मुश्किल है, एक परमानेंट जगह लगा कर देख कर उसको लगा देना पड़ता है। अभी तो मैं उसको चालू करता हूँ, देखो ये उसका फैन का आवाज़ है, ये आप सुन सकते हैं, और ये 4-5 फीट तक तो आराम से उसका ब्लोअर हवा फेंकता है, और ये उसका स्पीड है, यहाँ से 2 स्पीड दिया है, हाई और लो कर सकते हैं, और फैन का स्पीड दिया है, तो ये थोड़ा नॉइजी है लेकिन फिर भी काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बहुत टाइम पहले ख़रीदा हुआ था, अच्छा काम करता है ये। अभी दोस्तों मैं उसको चालू कर रहा हूँ, ये उसको यहाँ से ऑन कर देते हैं, ये ऑन हो गया, ये कोल्ड एयर फेर अभी चल रहा है, अभी ये 1000 वॉट का उसका एयर चालू हो जाएगा, इसकी एयर भी 5-6 फीट तक आराम से हवा फेंकता है, और इसका साउंड ऐसा है देखो, और ये फैन अंदर घूमता है, और ये दबाने से 2000 वॉट का आपको पावर मिलेगा, और थोड़ी हीट ज़्यादा मिलेगी। तो अभी दोस्तों मैं उसको चालू कर रहा हूँ, तो अभी कोई इंडिकेटर नहीं है, अभी ये फैन पर पड़ा है, ये ऑफ है, इसको घुमाने का कोई ज़रूर, उसको तो जिस पर रखना है आप पे रखो, किसी पे रखो,
लेकिन चालू यहाँ से होता है, मैं देखो इसको घुमाता हूँ, यहाँ तक कुछ भी नहीं होता, देखो यहाँ तक कुछ भी नहीं होता, फिर ये स्विच ऑन हुआ उसका, अभी उसका ये स्विच चालू हो गया देखो। तो ये उसका फैन है और इसका नॉइज इतना है। तो ये इसका एक बटन थोड़ा टाइट, थोड़ा ज़्यादा है बटन उसका, थोड़ा टाइट है, इसको घुमाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है यहाँ से। तो इसकी भी हवा और हीट दूर तक आती है और ये उसका नॉइस है। बस यही था, बस यही प्राइस में, और सब में देखो तो ये कम पैसे वाला है, ये उससे थोड़े ज़्यादा पैसे वाला है, और सबसे ज़्यादा पैसे वाला ये है। ये 2200 रुपये में मैंने लिया, ये 1600 रुपये में मैंने लिया, ये मैंने 1100 रुपये में, 1000 रुपये में मैं लिया। बस मैं वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।